हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि आज संडे है और हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, इस उम्मीद के साथ आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं कि आपने पिछली सीरीज वॉच की होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में कि हमने पिछली सीरीज में आपके जो है पिछले वीक के क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट सारे कवर किए थे। यदि आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर चैनल के होम पेज पे जाइए, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है वीकली करंट अफेयर्स, जो आपको वीकली मिलेगा, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी आपके कम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड इमेजेस, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट और उसका बायोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं मैं उनको कवर करता हूं अपनी इस स्लाइड में। तो आशा करूंगा कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी है तो रिकमेंड करता हूं मैं आपको। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स तो तैयार होती ही होती है, साथ ही साथ आपका जीके का पोर्शन और जीएस का पोर्शन भी कवर हो जाता है। और इसके अलावा मेरी सीरीज चल रही है आपकी जीएस जीके की वन लाइनर, सेकेंड सीरीज चल रही है आपकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं होम पेज पर, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज की सीरीज इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपने पिछले वीडियोस वॉच किए होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ पर नॉन स्टॉप सीरीज चल रही हैं तीन, करंट अफेयर्स वीकली जो आज स्टार्ट हो रही है, सेकेंड वीक का जो है मार्च का मंथ है, तो यहाँ पर 2 मार्च तक की करंट आपको मिलेगी और फिर नेक्स्ट मार्च की आपको अगले संडे को मिलने वाली है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे, इनके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपको एक खास बात बताऊं कि अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज तो मिलती ही मिलती है, साथ ही आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट हो रही है 26 फरवरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो 26 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। ये पहला आपका क्वेश्चन बनता है, फिलीपींस आईएलओ के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला बना पहला एशियाई देश। फिलीपींस क्या बन गया है? आपका कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला बना पहला एशियाई देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, फिलीपींस फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू रियलिटी आईएलओ कन्वेंशन। इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं, इनको आप जरूर कवर कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आईएलओ की फुल फॉर्म पूछी जाती है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, ठीक है। वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्रसंघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी क्या हुई थी? स्थापना इसमें वर्ष 1919 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है आईएलओ का। स्थापना का उद्देश्य क्या था? वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक। नेसर भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य भी है। आई होप, आशा करूंगा कि इस क्वेश्चन के आपको पॉइंट कवर हुए होंगे। पहले तो आपका आईएलओ जो है, जो एब्रीवेशन वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म पता चली है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। स्थापना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। भारत आईएलओ का संस्थापक सदस्य और यह वर्ष 1922 से आईएलओ के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पोजीशन है आईएलओ में, संस्थापक सदस्य बना है 1922 से और ये स्थायी सदस्य बन गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर को एफएटीएफ ने अपनी निगरानी सूची से किया बाहर। संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर को 1, 2, 3, 4,
ये चार जो देश हैं इनको एफएटीएफ ने अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। आखिर ये एफटीएफ क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। ये आपकी इमेज है, इमेज में एफएटीएफ का जो है आपका लोगो दिख रहा है, ठीक है, इनको बाहर कर दिया गया है। एफएटीएफ क्या है ये समझ लीजिए, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है एक टास्क फोर्स है जो एक्शन लेता है। तो इन चार देशों को यूएई, युगांडा, बारबाडोस और जिब्राल्टर, इनको कर दिया है बाहर। तो ये ग्रे लिस्ट जो आई है, ग्रे लिस्ट आई है एफएटीएफ की, इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है उन्हें एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन अगर आपने किया, ये क्या करता है, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये करता है कि अगर आप आतंकी वित्त पोषण मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं तो हम आपको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे, बाहर कर देंगे। तो आई होप समझ में आया होगा ग्रे लिस्ट क्या है और एफएटीएफ क्या काम करता है। एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित एक बैठक में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य इसका है मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और उनका विकास करना। ठीक है, आई होप इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको एफएटीएफ से पता चला। शायद अभी तक आप नहीं जानते होंगे, अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे। उद्देश्य आपको पता चल गया, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आप आतंकवाद को अगर बढ़ावा देंगे तो उसकी उपाय और जांच की जाएगी और उस डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, भारतवर्ष 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हुआ। ठीक, पर्यवेक्षक देश, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया है। ये भारत जो है अपना पूर्ण सदस्य बनाए, इसका सचिवालय पेरिस में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी मुख्यालय में स्थित है। अगर एफएटीएफ की आपको मुख्यालय पूछा जाए, ठीक है, तो आपका पेरिस में होगा। ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार, तीन देश ब्लैक लिस्टेड हैं। इसमें तीन देश पूर्ण रूप से ब्लैक लिस्टेड हैं, ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार। अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास, आपको ध्यान रखना है धर्म गार्जियन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में। जो भी आप पे अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल सीरीज होने वाली है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो भारत और जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है राजस्थान। आइए चलिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी हम कवर कर ही लेते हैं। कौथा संस्करण है, पांचवा संस्करण है, ठीक है, धर्म गार्जियन का। वार्षिक अभ्यास दोनों पक्षों की टुकड़ी में 40-40 जवान शामिल हैं। भारत और जापान के अन्य अभ्यास भी आप जान लीजिए। ये तो आपका धर्म गार्जियन पांचवा संस्करण हो गया राजस्थान। जीमैक्स आपका इंपॉर्टेंट था, नौसेना, मालाबार अभ्यास, नौसेना अभ्यास, वीर गार्जियन और सिन्यू मैत्री वायुसेना वाला था और धर्म गार्जियन सेना वाला। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए धर्म गार्जियन से, और भारत और जापान के जो भी सैन्य अभ्यास हैं उनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेसी, SECI एब्रिविएशन वर्ड, ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का किया अनावरण। सेसी एब्रिविएशन वर्ड, इसकी फुल फॉर्म सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा गठित है। इसके बाद पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट, भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस राजनांदन गांव छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, आपका इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि सुदर्शन सेतु जो है
सबसे लंबा केबल ब्रिज है और ये कहाँ पर स्थित किया गया है, कहाँ पर है, गुजरात में। आइए चलिए इसके बारे में जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जो है जान लेते हैं। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, यह है आपका सुदर्शन सेतु जो केबल पर डिपेंड है। केबल आपको दिख रही होंगी। पूर्व में इस पुल का नाम था सिग्नेचर ब्रिज, इसी को अब कर दिया गया है सुदर्शन ब्रिज। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। यह ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के नजदीक स्थित एक द्वीप है और ये कहाँ पर है, गुजरात में। तो सुदर्शन ब्रिज जो है आपको मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ IIM शिलोंग में होगी स्थापित। पहला जो है गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो है IIM शिलोंग में स्थापित होगी। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। यह है भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग IIM। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग MOPSW ने भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग के साथ सहयोग किया। होना क्या है कि शिलोंग जो IIM शिलोंग है इसके साथ क्या है, सहयोग के साथ पहली गति अनुसंधान शक्ति पीठ जो है स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा शक्ति अनुसंधान पीठ का, क्षेत्रीय विकास। और क्षेत्रीय विकास मतलब क्षेत्रीय विकास की बात हो रही है, विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनेलाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्पेन में प्रारंभ होगी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। स्पेन में जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 जो है जारी होगी और इसमें इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके बन जाते हैं, वो भी देख लीजिए। MWC स्पेन के शहर बर्सिलोना में आयोजित इवेंट में सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शन करेंगे, जिसमें स्मार्टफोन, एक्सेसरीज, AI तकनीक और बहुत कुछ शामिल है। जो भी आपका जो शो होगा, जो भी प्रदर्शन होगा, ये प्रदर्शन होगा किसका, कंपनियां अपना प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, कहां पर, स्पेन में। नेक्स्ट है केरल में आयोजित अटुकल पोंगल पर्व। अगर आपसे पूछा जाए कि अटुकल पोंगल पर्व कहाँ का पर्व है तो आपको याद रखना है ये है आपका केरल का। इमेज में थोड़ा सा शो हो रहा है कि लेडीज जो है क्या पका रही हैं, कुछ भोजन पका रही हैं। इसमें आपको एक जानकारी मिलेगी यहाँ के एक पकवान की, ये है पायसम। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, NCERT में दिया गया है कि पायसम, पायसम जो है कहाँ का भोजन है, खाद्यान्न है, तो आपको पता होना चाहिए यह है केरल का। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं त्योहार के बारे में। मलयालम त्योहार है जो तिरुवंतपुरम के अटुकल भगवती मंदिर अटुकलम्मा में मलयाली महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसे महिलाओं के सबरीमाला के रूप में जाना जाता है। महिलाएं क्या करती है, मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़, नारियल, केला आदि से मीठा पकवान जो चावल का हलवा या पायसम के रूप में जाना जाता है। तो आपको पायसम ध्यान रखना है, केरल का पकवान है और इसे अटुकल मंदिर की देवी भगवती को चढ़ाती हैं, इसीलिए इसको अटुकल पर्व कहा जाता है। सबसे पहले केले का मीठा हलवा पंडारा अडप्पू बोला जाता है, बनाया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस पर्व से रिलेटेड और पायसम आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है, केरल का पकवान है और केरल का अटुकल पर्व है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पुणे में प्रारंभ हुई भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी। महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे में क्या हुआ है, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी हुई है, ये इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक, तो भारत इसके इसमें भी आपको क्या है, कुछ पढ़ आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी जो है पुणे में, पुणे के पास मोसी में इंटरनेशनल प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से संबंध संस्थानों द्वारा निर्मित अत्याधुनिक सैन्य हथियारों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। ये एक प्रदर्शनी है जो आपकी पुणे में हुई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, PM मोदी ने उत्तर प्रदेश में दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज
एमबी गुहा और एमबी निषाद राज राष्ट्र को किए समर्पित। ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूपी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज जो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना, एमबी गुहु और एमबी निषाद राज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कहां? यूपी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक से चलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़े से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लीजिए आप। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी के वाराणसी में निर्मित भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWUAI भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित किया गया है ये जहाज जो इलेक्ट्रिक बेस्ड है। ठीक है, दो जहाज हैं, आपको इनके नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने इंडोनेशियाई उपग्रह मेराहपुती 2 को किया सफलतापूर्वक लॉन्च। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी जान लीजिएगा। स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से 300वां सफल मिशन के रूप में इंडोनेशिया के मेराहपुती 2 संचार उपग्रह को क्या किया है? लॉन्च किया है। इस उपग्रह का उपयोग जो है इंडोनेशियाई टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम सेट द्वारा तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह स्पेस एक्स का 2024 में 16वां लॉन्च था और कंपनी की योजना है कि वर्ष में कुल 144 कक्षीय मिशन लॉन्च किया जाए। कंपनी अब भी एक बड़े रॉकेट स्टारशिप पर काम कर रही है जिसका उपयोग मंगल ग्रह पर बसावट को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए किया जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा, जिसकी आपको इमेज शो हो रही है, जिनकी वैश्विक पर्यावरण सुविधा को की निदेशक बनने वाली बनी विकासशील देश की पहली महिला, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, गीता बत्रा, और वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बन गई हैं। गीता बत्रा बिकम फर्स्ट वुमेन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू लीड वर्ल्ड बैंक्स एनवायरमेंटल इवोल्यूशन ऑफिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गीता बत्रा के बारे में कुछ बातें जो है जान लेते हैं। गीता बत्रा ने विश्व बैंक की GEF के निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की है। विश्व बैंक की GEF के रूप में बत्रा ने पहले GEF के IEO में मूल्यांकन के लिए कार्य किया था। वेंसाई झोंग को विश्व बैंक समूह के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। वेंसाई चीनी नागरिक हैं और चीन के निर्यात आयात बैंक से आते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रवि चंद्रन अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए हैं गेंदबाज। यह आपको ध्यान रखना है। अश्विन ने कुंबले को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि कुंबले ने 350 विकेट और रविंद्र चंदन अश्विन ने 354 विकेट लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। रवि चंद्रन अश्विन भारतीय टेस्ट मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं और इससे पहले जो जगह थी वो कुंबले की थी। उन्होंने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर 351 विकेट हासिल किए हैं। उनका औसतन कुंबले की तुलना में बेहतर 21.40 के साथ है। अश्विन ने अपने 35वें विकेट हासिल किए हैं। वह पहले भारतीय गेंदबाज बने जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट हासिल किए। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 350 या उससे अधिक विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। वह 500 या अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले 9वें स्थान पर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। PDF आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट है, फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट ने देश के पहले वर्चुअल ATM को लॉन्च करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ की साझेदारी। ये है पेमार्ट, ठीक, फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट। इसके बारे में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्चुअल ATM को लॉन्च कर दिया है। पेमार्ट के साथ 5 भारतीय बैंकों ने साझेदारी की है। वर्चुअल ATM का उपयोग करने के लिए स्मार्टफोन, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। पेमार्ट के संस्थापक CEO हैं अमित नारंग। पेमार्ट के संस्थापक ने बताया कि यह सेवा कार्डलेस स्विच के रूप में स्थापित करती है। स्टार्टअप ने पायलट कार्यक्रम की योजना बनाई है, राष्ट्रव्यापी रोल आउट के लिए तैयारी भी की है। पेमार्ट ने वर्चुअल ATM सेवा की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक साझेदारी की है। कितने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं स्टार्टअप पेमार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 3,773 रुपये और 6,459 रुपये। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह है आपकी जो है इमेज में कुछ शो हो रहा है, डेटा है।
चलिए उस डेटा को नहीं समझना है, बस आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं। देश में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में इतना रहा है, शहरी क्षेत्रों में इतना रहा है। गरीबी में 5% की कमी हुई है, जैसा कि नीति आयोग के अधिकारी ने बताया है। अब कितना सत्य है ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। शहरी परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो व्यय है 2011-12 के बाद से 33.5 बढ़कर 3510 हो गया है। ग्रामीण भारत में उपभोग व्यय में 40.42% की वृद्धि देखी गई है, जो 2008 तक पहुंच गया है। शहरी ग्रामीण उपभोग विभाजन में 2004-05 से 2022-23 तक कमी हुई है, जो असमानता में कमी का संकेत देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की खपत 1999 से 2000 से 2011-12 तक 22% से 10.7% और अब 5% घटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की कुल खपत की बात करें तो 1999 से 2000 से 2011-12 तक 60% से 53% और अब 40% तक कमी हुई है। लोग अब अधिक दूध, फल, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर अधिक आय आवंटित कर रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने कनाडा में जीता गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टर। अभय सिंह और क्या जीता है? गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टर जीता है। चलिए जान लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यह है स्क्वैश खिलाड़ी, अगर पूछा जाए अभय सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है, कनाडा में गुड फेलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टर जीता है इन्होंने। अभय सिंह ने फाइनल में एलियट मॉरिस डेवरेट को 3-0 से हराया है। इस जीत से उन्होंने अपना 8वां पीएसए विश्व टूर खिताब जीता है। गुड फेलो क्लासिक में पुरुष एकल प्रतियोगिता शामिल थी। अभय को प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता दी गई थी। यह उनकी सीजन की दूसरी पीएसए चैलेंजर जीत थी। पिछले साल वह एशियाई खेलों में हांगजो में स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीते थे। उन्होंने अनाहत सिंह के साथ मिश्रित युगल में कांस्य पदक भी जीता है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है अभय सिंह के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई, यह है आपको इमेज में शो हो रहा है, सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किया विकसित। इसका नाम है होमोसेप एटम और किसके सहायता से? आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने यह टैंक बनाया है, इसके बारे में जान लेते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई जिसका नाम है होमोसेप एटम विकसित किया गया है। होमोसेप एटम हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान करता है। यह रोबोट देश भर के 16 शहरों तक पहुंच चुका है और विभिन्न सफाई कार्यों में सक्षम है। सोलिनास नामक स्टार्टअप ने होमोसेप एटम को एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो AI से विकसित किया है। यह रोबोट नगर पालिकाओं को स्वच्छता अभियानों में सक्षम बनाता है और कई संपत्तियों की स्वामित्व की लागत कम करता है। सोलिनास ने अनेक स्थानों में मैन होल की रुकावटों को साफ करने में मदद की है और इसके साथ ही साथ स्टार्टअप द्वारा विकसित रोबोट सफाई कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और उन्हें जहरीले वातावरण से भी बचाता है। सोलिनास लघु रोबोट विकसित करने में माहिर है, जिसमें भारत का पहला 90mm जल रोबोट और 120mm सीवर रोबोट शामिल है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका नाम और बनाने वाला आईआईटी मद्रास। ये एक रोबोट है, AI इंटेलिजेंस पर आधारित है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना की है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर और इन्होंने चंडीगढ़ में क्या किया है? फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना की है। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की क्या की है? स्थापना। अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने के नए कार्यालय की योजना का खुलासा किया। उद्देश्य इसका है फिल्म प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और फिल्म निर्माताओं का समर्थन करना। चंडीगढ़ में फिल्मों के स्क्रीनिंग और संपादन की सुविधा मिलेगी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होने की उम्मीद है। CBFC फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला वैधानिक निकाय है। CBFC फिल्मों को 4 श्रेणियों में प्रमाणित किया जाता है, U, U/A, A और SI। श्रेणियों में यू अप्रतिबंधित, U/A सावधानी से 12 वर्ष से कम उम्रों के बच्चों के लिए, A वयस्कों के लिए और SI विशेष वर्गों के लिए। ये श्रेणियां हैं
फिल्म से संबंधित कि आप इन कंडीशन में आप फिल्म बना सकते हैं। तो ये बात थी अनुराग सिंह ठाकुर की। चंडीगढ़ में क्या है कार्यालय, फिल्म प्रमाणन सुविधा केंद्र खोला है। नेक्स्ट है, हरियाणा ने प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछा जाए कि सवेरा कार्यक्रम कहां पर स्थापित है, तो हरियाणा, और सवेरा किससे रिलेटेड है, स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए ये जो है प्रोग्राम है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप जान लीजिए। हरियाणा ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत जो प्रारंभिक स्तन कैंसर की पहचान करने के लिए है। सवेरा कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आपको ध्यान रखने हैं कि सवेरा कार्यक्रम को हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखने हैं कि मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने किया उद्घाटन। यह कार्यक्रम स्तन कैंसर के पता लगाने में स्वाभाविक बढ़ी हुई इस पर संवेदनशीलता का लाभ उठाता है। इसका उद्देश्य शीघ्र पता लगाना और समय पर हस्तक्षेप करना। कार्यक्रम के माध्यम से स्तन कैंसर की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है। लॉन्च का प्रारंभिक चरण सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल, सेक्टर 31 के पॉली क्लिनिक और वजीराबाद के PSC में किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्तन कैंसर के महत्व पर जोर दिया है। देश भर में हर दिन की कई महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। सवेरा का शुभारंभ एम्स झज्जर में हुआ है, जिसमें 1000 बिस्तरों से सुसज्जित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान शामिल है। आई होप जो है वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत के पुणे में प्रारंभ हुई पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल। इतना आपको ध्यान रखना है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप जान लीजिए। वन लाइनर है, बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको नोट डाउन कर रखे हैं। आपको क्या होगा, क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को वॉच करते रहिए। पहली US भारत साइबर सुरक्षा पहल पुणे में हो गई शुरू। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने मराठा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के सहयोग से इस पहल की शुरुआत। उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को रोजगार प्रदान करना। शुभारंभ, पुणे में साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ। साइबर सुरक्षा में संयुक्त रणनीतिक पहल के लिए कार्य करने का लक्ष्य। US इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, USA और भारत के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग का समझौता। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो पुणे में शुरुआत हुई है उसकी साइबर सुरक्षा केंद्र की। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के 4 पायलटों और इसरो परियोजना का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन में 4 पायलट जो है आपके ये हैं, ठीक है, गगनयान की बात हो रही है तो 4 पायलट हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसमें कैप्टन आपके जो है विंग्स कमांडर शुभांशु शुक्ला। चलिए इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट गगनयान के बारे में जान लेते हैं। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन के 4 पायलटों और इसरो परियोजना का किया उद्घाटन। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुमांशु शुक्ला, इनके नाम हैं चारों के, को अंतरिक्ष यात्री पंख से सम्मानित किया गया। गगनयान मिशन के लिए 3 पायलटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पीएम मोदी ने केरल में लगभग 1800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV एकीकरण सुविधा PIF और तमिलनाडु के IPRC महेंद्र गिरी में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट सुविधा शामिल है। VSSC में ट्रायोसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन किया गया। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 व्यक्तियों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में तैनात करना है। इसरो ने CE20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में मील का पत्थर हासिल किया है। तो गगनयान मिशन से रिलेटेड ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में भारत के IFFCO को मिला पहला स्थान। तो विश्व स्तर पर बात हो रही है, 300 सहकारी समितियों में IFFCO को क्या मिल गया है, स्थान मिल गया है। चलिए आइए जान लेते हैं IFFCO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। IFFCO की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 2021 में दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में फिर से नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कर ली है। इसके साथ ही IFFCO ने समग्र टर्नओवर रैंकिंग में 97वें स्थान पर और 72वें स्थान पर पहुंच गया है। IFFCO ने आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में अपनी प्रगति को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ ICA इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की 12वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार IFFCO देश की संपत्ति के लिए उद्यम के कारोबार से रिलेटेड है। IFFCO ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया और नैनो DAP विकसित किया है। कृषि 2.0 के दृष्टिकोण पर काम करते हुए IFFCO ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरकों, कृषि ड्रोन और ग्रामीण ई कॉमर्स और खेतों की डिजिटल सक्षमता में निवेश किया है।
कितने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इफको के लिए। नेक्स्ट, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का एमपी के उज्जैन में होगा उद्घाटन। तो दुनिया की सबसे पहली वैदिक घड़ी लग चुकी है, वो लगी है आपकी उज्जैन में जो कि है एमपी में। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी एमपी के उज्जैन जिले में सरकारी जीवाजी वेधशाला, जो आपको इमेज दिख रही है ऊपर, उसमें सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर तैयार की गई है। ये जो घड़ी लगी है आपकी सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट है, जंतर मंतर के भीतर जो है 85 फुट के टावर, जो टावर आपको इमेज में शो हो रहा है उसके ऊपर लगाई गई है। ये घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषीय गणना, भविष्यवाणियों से संबंधित क्या करेगी जानकारी प्रोवाइड कराएगी। इस घड़ी में भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी बताएगी। यह घड़ी 2 सूर्योदय के बीच समय की गणना करेगी। कर्क रेखा उज्जैन से होती है और यहाँ वैदिक घड़ी स्थापित है, इसका कारण भी है, जो कर्क रेखा है उज्जैन से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पर ये जगह चूज की गई है वैदिक घड़ी के लिए। इतना भी आपको ध्यान रखना है, उज्जैन ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को मोहन यादव ने रखी थी। तो 2022 से 2024 तक अब उसकी स्थापना वैदिक घड़ी की हो गई है। उज्जैन में आपको ध्यान रखना है, एमपी में जंतर मंतर में 85 फीट टावर पर। नेक्स्ट, मैक्सिको को FATF का नया अध्यक्ष किया गया घोषित। तो मैक्सिको की एलिसा डी एंडा, जिसकी आप इमेज देख पा रहे हैं, FATF की नई अध्यक्ष नामित। डी एंडा जर्मनी के, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इनके बारे में जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चर्चित जो है लेडीज हैं। डी एंडा जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स पियर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। डी एंडा मैक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण मंत्रालय में महानिदेशक हैं। सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF द्वारा ग्रे सूची से हटा दिए गए हैं। FATF वर्ष 1989 में G7 देशों के द्वारा स्थापित किया गया था। FATF के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी शुरुआत में हो गया था। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, 4 देश जो है ग्रे लिस्ट कर दिए गए हैं। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के निगरानी करता होना है। FATF ने 2001 में आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल किया है। FATF ने 2012 में WMD के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला किया है। 2006 में पर्यवेक्षक देशों की सूची में शामिल हो गया है, ठीक हो गया था। 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बन गया था भारत, 2010 में इसका सदस्य पूर्ण सदस्य बना। FATF का सचिवालय की अगर बात करें तो पेरिस में। ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैकलिस्टेड है, ये भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, तो एक बार इनका देख लीजिएगा। मैक्सिको की एलिसा डी एंडा नई अध्यक्ष नामित हुई है, जो है ये नई अध्यक्ष हैं किसकी, FATF की। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल की लॉन्च। मिशन उत्कर्ष आपको ध्यान रखना है, किसने किया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने, क्योंकि एनीमिया जो है किशोरियों में हो रहा है, इसलिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच मिशन उत्कर्ष आपको नाम ध्यान रखना है, तहत आयुर्वेदिक हस्तक्षेप से किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए मिशन उत्कर्ष परियोजना किससे रिलेटेड है, तो एनीमिया को रोकने के लिए ये परियोजना जो है कार्यान्वित की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के द्वारा। पहले चरण में 5 राज्यों में किशोर लड़कियों की एनीमिया स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाया जाएगा। एनीमिया के नियंत्रण के लिए योग और आयुर्वेदिक उपचारों पर ध्यान दिया जाएगा। लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर के तहत 94,000 से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना के लिए समन्वय एजेंसी केंद्रीय काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS होगी। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मिशन उत्कर्ष से रिलेटेड। नेक्स्ट, चिट्ठी आई है जैसी धुनों के लिए, जाने जाने वाले मशहूर गजल गायक पंकज उदास का क्या हो गया है, निधन हो गया है। जियो तो जिए कैसे बिना आपके, ये जो गाना साजन मूवी का, साजन मूवी के गाने कितने फेमस हैं, कितने अच्छे हैं, आप भी जानते हैं। तो ये जो हैं पंकज उदास, इनका हो गया निधन। पंकज उदास का निधन हुआ, जिनकी लंबी बीमारी के कारण महाराष्ट्र के मुंबई में। उन्होंने 1980 में अपने गजल एल्बम आहट से प्रसिद्ध हासिल की थी। 1980 में उन्होंने पहला अपना एल्बम जारी किया था आहट, उनसे इनको प्रसिद्धि मिली है। फिल्म नाम का गाना चिट्ठी आई है वतन की चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद उनका बेहद लोकप्रिय हुआ है।
उन्होंने फिल्म घायल में माहिया तेरी कसम के लिए काम किया है जो बहुत हिट हुआ है। अदानी ग्रुप ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का किया अनावरण। अदानी ग्रुप ने यूपी में किया है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट कर दिया है। ये है अदानी ग्रुप, इसमें इमेज दिखाई जा रही है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है, ये अदानी का जो है एरोस्पेस, सीधा सीधा संगठन, सीधा सीधा उनका काम उत्तर प्रदेश के कानपुर में कहाँ किया गया, कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का अनावरण कर दिया है। यह कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी एकीकृत गोला बारूद विनिर्माण सुविधाओं में से एक है। इसमें इससे लगभग 4000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अडानी डिफेंस ने कॉम्प्लेक्स में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का धन निवेश किया है। छोटे माध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद का निर्माण किया जाएगा। 150 मिलियन राउंड के प्रारंभिक उत्पादन के साथ छोटे कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन शुरू किया गया है। यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कानपुर को हथियारों और गोला बारूद के लिए दक्षिण एशिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने रंगप्पो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला। सिक्किम में जो है रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है, ठीक कहाँ पर, रंगप्पो में। यह सिक्किम जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने रंगप्पो में रखी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला। सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन जो है खुल गया है, बन गया है। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रख दी है। स्टेशन का डिजाइन सिक्किम की समृद्ध परंपराओं और राजसी हिमालयी परिदृश्य को दर्शाता है। सेवो के रंगप्पो रेलवे लाइन परियोजना 3 चरणों में बनाई गई है। इस परियोजना की कुल लागत अब अनुमान लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के सोवो के रंगप्पो खंड पर ट्रैक 25 टन भार को सहन करने में सक्षम होगा। रेलवे स्टेशन की पुनर्जीविती के लिए 41,000 करोड़ की 2,000 रेल बुनियादी ढांचा जो है परियोजनाएं प्रारंभ शामिल हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, थाईलैंड की BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल 18। यह है NSDF रॉयल क्लिफ बीच, इसके बारे में जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। भारतीय शटलरों ने पटाया में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं, 18, जिसमें 3 स्वर्ण हैं, 4 आपके रजत हैं और 11 आपके कांस्य हैं। सुहास यतिराज ने पुरुष एकल SL में 4 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कृष्णा नगर ने पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता है और प्रमोद भगत ने पुरुष एकल SL में 3 में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पदक विजेताओं में मानिसा रामदास रजत, चिराग बरेठा, राजकुमार रजत, रचना पटेल, नित्या श्री, सुमिति सिवान रजत। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड। अपना नेक्स्ट, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को मिला 42वां स्थान। बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल IP इंडेक्स में स्थान मिला है इनको 42वां, किसको, भारत को। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक का 12वां संस्करण जारी कर दिया है। सूचकांक में शीर्ष देश में अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड है और भारत का स्थान आपका 42वां है। ठीक है, भारत ने 38.64% स्कोर के साथ 42वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप पर कौन है, अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जापान, नीदरलैंड। रिपोर्ट ने भारत की IP से संबंधित कमियों पर प्रकाश डाला है। 20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने समग्र स्कोर में सुधार किया है। सूचकांक ने भारत सहित 27 अर्थव्यवस्थाओं में ठहराव का भी खुलासा किया है। IP की स्थापना वर्ष अगर पूछी जाए तो 1967 है और इसके महानिदेशक डैरेन टैंग हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति अजय माणिक राव होंगे देश के नए लोकपाल। जो देश के नए लोकपाल हैं वो कौन होंगे, अजय माणिक राव, यह है उनकी इमेज। इनके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष होंगे। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे। लोकपाल अध्यक्ष न्यायाधीश AM खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है। लोकपाल की चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश या उनकी सिफारिश पर
सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज और राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है। लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होंगे। तो आपको नाम याद रखना है किसका, अजय माणिक राव खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेशनल वित्त मंत्रालय ने अकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया अधिसूचित। यहाँ पर अकाशा एयर जो है, इसकी इमेज देख लीजिए, यह है अकाशा एयर। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, छोटे छोटे फैक्ट्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेट भी हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अकाशा एयर को नामित भारतीय वाहक के रूप में मान्यता दे दी है। अकाशा एयर विदेश उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। विदेश में उड़ान भरेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली बन गई है एयरलाइन अकाशा। अकाशा एयर का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। अकाशा एयर के बेड़े में वर्तमान में 23B737 मैक्स विमान है। अकाशा एयर 20 शहरों में सेवा प्रदान करती है। कतर के अलावा इसे सऊदी अरब और कुवैत के लिए भी अधिकार दिए गए हैं। आप कुवैत और सऊदी अरब भी जा सकते हैं अकाशा एयर से। अकाशा एयर ने मुंबई को दोहा से जोड़ने के लिए सप्ताह में 4 नॉन स्टॉप उड़ानें संचालित करने के लिए, सप्ताह में 4 नॉन स्टॉप जो है उड़ानें भरेगा मुंबई से दोहा के लिए। दोहा की राजधानी आपको पता है कतर। अकाशा एयर ने 21 शहरों को जोड़कर 70 लाख से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान की है। अकाशा आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 28 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य मनाते हैं, आइए जान लेते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जिसमें रमन प्रभाव की खोज दिनांक माना जाता है। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और किसने की थी, वैज्ञानिक रमन, इन्होंने की थी, सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है सीवी रमन, ने 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 1930 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्कृष्टता समारोह को नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रमन प्रभाव के नाम पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसे उन्होंने फोटॉन के स्कैटरिंग की खोज के सम्मान में किया था। तो 28 फरवरी आपको दिन ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सीवी रमन के उपलक्ष्य में रमन प्रभाव की खोज इस दिन की गई थी। नेशनल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। स्वयं प्लस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, लॉन्च हुआ है तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वयं और एपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड सहित उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया है। स्वयं प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षा के लिए 43 मिलियन छात्रों और कामकाजी पेशेवारों को जोड़कर कक्षा का दायरा बढ़ाएगा। उद्योग जगत के लिए, देश के युवाओं के लिए भविष्य के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। स्वयं प्लस के साथ व्यवहारिक शिक्षा, रोजगार, योग्यता, उद्यमिता, नौकरी केंद्रित और व्यवहारिक प्रशिक्षण उस दिशा में एक कदम है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक छात्र को सशक्त बनाने के लिए पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में होने चाहिए। स्वयं प्लेटफॉर्म बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करता है। उद्योग की जरूरतों का समर्थन करने वाले पाठ्यक्रम शामिल होंगे। AI सक्षम मार्गदर्शन, क्रेडिट पहचान और रोजगार के रास्ते जैसे नवीन तत्व शामिल हैं। स्वयं प्लस आपको ध्यान रखना है, धर्मेंद्र प्रधान ने जो है लॉन्च किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का किया उद्घाटन। जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का किया उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। ठीक, आइए जान लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा। इन्होंने क्या किया है, जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। माणिक साहा ने संवेदनशीलता ट्रैकिंग जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह उन्मूलन यानी कि चेष्टा की शुरुआत की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुनर्निर्मित जगन्नाथ दिघी का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों के लिए क्षेत्र की अपील को बढ़ाना है। माणिक साहा ने अगरतला से अयोध्या के लिए 00727 आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आस्था स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए 200 से अधिक आस्था विशेष ट्रेनें चला रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नामीबिया के जान निकोल ने जड़ा 33 गेंदों में T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक। चलिए भाई, जान निकोल ने 33 गेंदों में T20 में सबसे तेज शतक लगा दिया है। इमेज देख पा रहे हैं, जॉन निकोल की ये इमेज है। तो चलिए आइए जान लेते हैं, नामीबिया के जॉन निकोल लाफ्टी ईटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगा दिया है। जॉन निकोल ने नेपाल के विरुद्ध 33 गेंदों में अपना शतक पूरा किया है। नेपाल के कुशल मल्ला ने पहले सबसे बड़े शतक का रिकॉर्ड बनाया था। जो नेपाल के जो कुशल मल्ला थे, इनको पीछे छोड़ दिया है जॉन निकोल ने। दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चेक गणराज्य के सुदेश विक्रम सेकरा ने संयुक्त
तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर को अलविदा कहा है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारतीय हॉकी की सीईओ एलेना नॉर्मन ने दिया इस्तीफा। जो भारतीय हॉकी की सीईओ थी एलेना, इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। चलिए थोड़ी सी बातें इनकी भी हो जाए। एलेना नॉर्मन भारतीय हॉकी इंडिया की सीईओ ने अदालती मामले और आंतरिक महासंघ की राजनीति के कारण इस्तीफा दे दिया है। नॉर्मन ने अध्यक्ष दिलीप ट्रिकी और महासचिव भोलानाथ सिंह के बीच सत्ता संघर्ष को बताया है। मुख्य कोच के जेनेक सोपमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्हें महासंघ में अपमानित महसूस होने का दावा किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में पूर्व कप्तान असलम शेर खान द्वारा दायर याचिका की सुनवाई हो रही है, जो हॉकी इंडिया के प्रशासनिक मुद्दों से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एलेना नॉर्मन, इनका नाम ध्यान रखना। रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल वनतारा की लॉन्च। रिलायंस ने एक वनतारा लॉन्च कर दी है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने वनतारा यानी कि जंगल का सितारा पहल शुरू की है। वनतारा का केंद्र गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर 3000 एकड़ के विशाल अभयारण्य में स्थित है। इसका उद्देश्य पशुओं के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाएं और उपचार प्रदान करना है। वनतारा ने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किया सहयोग। वनतारा ने पहले ही अपने मिशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैक्सिको और वेनेजुएला जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय बचाव अभियानों में भी भाग लिया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को मिले कुल 18 पदक। 18 पदक के साथ जो है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले हैं, 18। चलिए देख लेते हैं। 26 फरवरी 2024 को एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं। मलेशिया ने इस चैंपियनशिप में 37 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान पर आपका ध्यान रखना है मलेशिया। इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 500 सवारों ने भाग लिया है। यह चैंपियनशिप पेरिस 2024 में ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट थी। भारतीय पैरा साइकिलिस्टों ने 8 स्वर्ण और 4 पदक रजत पदक जीते हैं। भारतीय साइकिल चालकों ने कोई पदक जीता नहीं है। हर्षिता झाकड़ ने महिला जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है साइकिलिंग चैंपियनशिप में। पेरू ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। 2024 में 32 मौतों के साथ 31,000 से अधिक तक पहुंच गया है। पेरू ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के जवाब में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। 2024 के पहले 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 32 मौतें हुई हैं। नेसा पेरू के 25 क्षेत्रों में 20 को आपातकालीन घोषणा में शामिल किया जाएगा। डेंगू फैलने के कारण अल नीनो मौसम, अल नीनो का प्रभाव है। डेंगू के लक्षण और प्रभाव मच्छर जनित संचरण, नैदानिक प्रस्तुति है। प्रतिक्रिया उपाय और समन प्रयास, स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा, जन जागरूकता अभियान, चिकित्सा सहायता और उपचार, दीर्घकालिक समाधान और तैयारी, पर्यावरण प्रबंधन, अनुसंधान और विकास, सामुदायिक सहभागिता। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको जो है कमेंट कीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर 0.72 की गई दर। चलिए आइए देख लेते हैं। यह है दक्षिण कोरिया के कुछ लोग, प्रजनन दर जो है कम हो गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया में 2023 में प्रजनन दर जो है 0.72 थी, दुनिया में जो कि सबसे कम। नवजात बच्चों की संख्या 2023 में 7.7% घटकर 2,30,000 रह गई है। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर स्थिर जनसंख्या दर 2.1 से कम। देश को अपनी 5.1 करोड़ की आबादी बनाए रखने के लिए 2.1 बच्चों की औसत की जरूरत है। दक्षिण कोरिया की आशा है कि उसकी प्रजनन दर में गिरावट जारी रहेगी। दक्षिण कोरिया में बच्चे को जन्म देने की औसत आयु 33.6 साल है, यानी कि किसी व्यक्ति की आयु जो है औसत आयु 33.6 साल है। विकसित देशों में आर्थिक समृद्धि से जुड़े जीवन शैली विकल्पों की वजह से प्रजनन दर कम हुई है। विकसित देशों में ऐसा ही होगा, सब लोग क्या है भाग रहे हैं, अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत करने की वजह से बिजी हो गया है, जिससे क्या प्रजनन दर कम तो हो ही जाएगी, क्योंकि 33 साल तक ही वहां पर 35 साल तक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। 35 साल के बाद शादी करेंगे तो बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका डीएनए जो है खराब हो रहा है, क्योंकि भागदौड़ वाली जिंदगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है ज्यादा भागदौड़ मत कीजिए, नहीं तो आप भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। चलिए, सुनील भारती मित्तल ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले बने पहले भारतीय। चलिए भाई, सुनील भारती मित्तल के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी बातें। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड को सम्मान मिल गया है। उन्हें नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी दिया गया है। वह पहले भारतीय हैं जिन्हें किंग चार्ल्स ने यह सम्मान प्रदान किया है। उन्हें ब्रिटेन के उच्चायुक्त द्वारा सम्मान दिया जाएगा।
मित्तल ने ब्रिटेन की सरकार को अपने योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। वे एक पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हैं भारतीय इंटरप्राइजेस के। सुनील भारती मित्तल को पिछले साल पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उन्हें भारत और ब्रिटेन के व्यापार संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मानद केबीई के पिछले भारतीय प्राप्तकर्ताओं में रतन टाटा शामिल हैं, 2009 में मिला था। रविशंकर शामिल हैं, 2001 में मिला था। जमशेद ईरानी 1997 में मिला था, जिन्हें दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्रदान किया गया था। तो ब्रिटेन द्वारा जो मानक उपाधि नाइटहुड की जो है मानक उपाधि मिली है, वो इससे पहले 2009, 2001, 1997 जमशेद ईरानी, रविशंकर, रतन टाटा और अब मिली है यह किसको, सुनील भारती मित्तल को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की रखी आधारशिला। चलो भाई, दूसरा जो है स्पेस सेंटर जो है तमिलनाडु में कुलशेखर पट्टनम में जगह है, कुलशेखर पट्टनम, ये आपका जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दूसरा स्पेस सेंटर कहाँ बन गया है, तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टनम में बन गया है। ये कुछ इमेज है जिन्होंने अपना जो है सफलतापूर्वक एक लॉन्च किया है, इसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के एक तटीय गांव में दूसरे अंतरिक्ष बंदरगाह की आधारशिला रख दी है। इस बंदरगाह का चयन जो है छोटे लॉन्च वाहनों के लिए लॉन्च प्रक्षेप वक्र के साथ पेलोड क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। यानी कि छोटे लॉन्च वाहनों के लिए प्रक्षेप वर्ग के साथ पेलोड क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। समारोह में इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग DOS के सचिव हैं श्री सोमनाथ एस, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वहां पर उपस्थित थे। नव स्थापित लॉन्च कॉम्प्लेक्स रोहिणी साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल प्रक्षेपण सबसे पहले कर दिया गया है। यहाँ से जो आपको ऊपर इमेज में दिख रहा है RS-200, ये जो है प्रक्षेपण है RS-200, इसको लॉन्च किया गया है। किसके थ्रू लॉन्च किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट की मदद से इसके थ्रू RS-200 का लॉन्च कर दिया गया कॉम्प्लेक्स। RS-200 रॉकेट ने 75 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है। इसका मतलब ये जो लॉन्चिंग हुई है RS-200 की, ये 75 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा है। इसरो के अध्यक्ष ने इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मोमेंट बताया है। लॉन्च साइट को 24 महीनों के भीतर पूरी तरह से चालू किया जाएगा, इससे NGE की अंतरिक्ष गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसका मतलब अभी 2 साल इसमें लगने वाले हैं इस सेंटर को, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। मॉरिशस बना जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश, जो बन गया है मॉरिशस, आपको पता है कितना अच्छा, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, सब कुछ जो है उसकी तारीफ करें कम ही है। मॉरिशस जो है बन गया है प्रधानमंत्री, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अगालेगा द्वीप पर, ये द्वीप है अगालेगा, नई हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। भारत और मॉरिशस समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक भागीदार भी है। मॉरिशस हमारी जन औषधि पहल में, यानी भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश होगा। आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 श्रीलंका के कोलंबो में होगा, ये 1 मार्च की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होगा, ये होगा श्रीलंका के कोलंबो में। चलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से कोलंबो में आयोजित होगा। महोत्सव का उद्देश्य मद भगवत गीता का कालीजयी शिक्षाओं का लोकप्रिय बनाना है। इस वर्ष श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा, समसामायिक रुचि के कई विषयों पर सम्मेलन और प्रतियोगिताएं भी होगी। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन करने की घोषणा की है। उन्होंने गीता के उपदेशों को महत्व बताया और उनका अनुसरण करने की प्रेरणा दी है। तो ये कहाँ पर होना है आयोजन, कोलंबो में, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। तेलंगाना सरकार ने WEF के सहयोग से 4th जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का किया शुभारंभ। तेलंगाना सरकार ने क्या कर दिया है, 4th जीव विज्ञान औद्योगिक क्रांति केंद्र का शुभारंभ कर दिया है। WEF और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 4IR का 19वां केंद्र स्थापित किया है। WEF तेलंगाना केंद्र दुनिया का पहला विषयगत स्वास्थ्य तकनीकी और जीवन विज्ञान केंद्र होगा। राजनीतिक साझेदारी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और WEF अध्यक्ष के बीच सहयोग मजबूत होगा। 4IR हैदराबाद में प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र बनाने की ओर अग्रसर। बायो एशिया 2024 का आधिकारिक लॉन्च होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप PDF ले लीजिएगा, उससे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में तेंदुआ लियोपर्ड
तेंदुआ मतलब लियोपर्ड, ना कि टाइगर। तेंदुआ यानी लियोपर्ड की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार एमपी में है सर्वाधिक तेंदुआ की संख्या। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पे है? एमपी में। शिवालिक पहाड़ी और गंगा मैदान में तेंदुओं की गिरावट हो रही है, जबकि महाराष्ट्र में कितने हैं आपके? 1070। भारत में अगर 2022 में 13874 कुल हैं, और सबसे अधिक आबादी जिसमें 3907 एमपी में है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है आबादी कहाँ हो गई है? लियोपर्ड की, एमपी में। आरबीआई ने अमेजन पे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में दिया अंतिम अनुमोदन। अमेजन पे के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जो है आप जान लीजिए क्या क्या आरबीआई ने अमेजन पे को एग्रीगेटर कर दिया है। ठीक है, अनुमति मिल गई है। अमेजन पे ने भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। अमेजन पे को मजबूत वितरण चैनल और सुरक्षित डिजिटल भुगतान अनुभवों को डिलीवरी की अनुमति मिल गई है। आरबीआई ने डिसेंट्रो, जस्ट पे और जोहो को भी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को मंजूरी दे दी गई है। अमेजन पे और अन्य भुगतान एग्रीगेटर्स खुदरा विक्रेता और ग्राहकों के बीच संबंध की सुविधा प्रदान करता है। अमेजन पे बैलेंस का उपयोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी किया जाता है। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत से किया सम्मानित। आचार्य लोकेश मुनि है वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है इनको। आचार्य, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आचार्य लोकेश मुनि की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय विरासत और जैन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। उनका आयोजन होने वाले समारोह में विभिन्न विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति होगी, जैसे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। आचार्य लोकेश मुनि एक बहुमुखी व्यक्तित्व हैं, जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, अहिंसा की वकालत और आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अहिंसा विश्व भारती और विश्व क्रांति केंद्र की स्थापना की है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई है। आचार्य लोकेश मुनि ने विविध विषयों पर कई किताबें लिखी और कई प्रमाणीकरण मिले हैं, जैसे एथिकल ऑनर और राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार। कितनी बातें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को अंतरिक्ष में कर दिया है लॉन्च। तो पार्स वन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है रोसकोसमोस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स वन को सोयूज वाहक रॉकेट से मास्को के वोस्तोचन अंतरिक्ष बंदरगाह से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। रूस का उल्का एम नंबर 24 उपग्रह 2009 में शुरू की गई उल्का एम श्रृंखला का छठा अंतरिक्ष यान है, जो पृथ्वी प्राकृतिक संसाधनों को पता लगाने, वैश्विक मौसम पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। उल्का एम 24 ओजोन परत, समुद्र की सतह के तापमान और बर्फ की स्थिति को मापने, निकट पृथ्वी अंतरिक्ष में हेलियो भूभौतिकीय स्थिति की निगरानी करने के लिए स्वचालित डेटा संग्रह माप प्लेटफॉर्म से जानकारी प्राप्त करेगा। ईरान के राज मीडिया IRNA ने रूसी रॉकेट लॉन्च के तुरंत बाद बताया कि स्वदेशी ईरानी उपग्रह, जिसे पार्स वन कहा जाता है, पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया है। IRNA के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रायसी, के प्रशासन के दौरान यह 12वां उपग्रह प्रक्षेपण है। पार्स एक में 15 मीटर का कैमरा है, 15 मीटर का तो इसमें कैमरा ही लगाया गया है, जो इसे पृथ्वी पर 500 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा से सतह के स्थानों की कुछ रेजोल्यूशन छवियां भेजेगा। बताओ भाई, 15 मीटर लंबा तो कैमरा ही लगा है, जो 500 किलोमीटर ऊपर से भी जो है इमेजेस कैप्चर करके भेज देगा। DRDO ने ओडिशा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वसोरात का किया सफल परीक्षण। वसोरात पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली है। वसोरात एक दोहरे ब्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित है। इसे DRDO और RCI ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। परीक्षण में मिसाइल ने मिशन के लक्ष्यों को पूरा किया है। समार वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, यह वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। समार को BRDO ने विकसित किया है। इसे अस्त्र शक्ति अभ्यास के दौरान परीक्षण किया गया है। पहली बार बर्ड फ्लू ने अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर दी दस्तक। भैया, बर्ड फ्लू अब अंटार्कटिका तक पहुंच गया है। ठीक है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। रावी नदी पर क्या बना दिया? बांध। और यह है शाहपुर कंडी बांध, जो क्या करेगा? पाकिस्तान पर रावी नदी का पानी अब नहीं जा पाएगा। इतनी भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पुरातत्वविदों ने गुजरात के मोरो धारो स्थल पर की एक हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती की खोज। तो भैया, यहाँ पर जो है गुजरात में खोज हो गई है मोरो धारो स्थल पर। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर विकसित थी। हड़प्पा की चीजें यहाँ पर मिली हैं, जैसे कि आपको इमेज में शो हो रहे हैं कुछ बर्तन। ठीक है, ये सारी चीज, जैसे मिट्टी के बर्तन क्या क्या मिला है आपका? मिला है, देखो यहाँ पर, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, आभूषण, शिलालेख, जलाशय द्वार, अंत्येष्टि, वास्तुकला,
ने खुदाई की है। कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम ने। ऐसा नहीं है कि ऐसे वैसों ने किया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की टीम ने लोद्रानी के पास धोलावीरा में नए हड़प्पा स्थल की खोज की है। इतना आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता दक्षिण एशिया की पहली शहरी सभ्यता थी। दक्षिण एशिया की सबसे पहली सभ्यता थी क्या? हड़प्पा सभ्यता, जो मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ सह अस्तित्व में भी थी, जिसकी जो है कहा जाता है कि समकक्ष थी। हड़प्पा सभ्यता भारत भूमि पर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। हड़प्पा के प्रमुख शहरों में पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य अभी भी प्रेजेंट हैं जो खुदाई पर मिलते हैं। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 में स्टॉलेंस काउस ने बंगाली अनुवाद को किया गया प्रदान। चलिए भाई इनके बारे में जान लेते। पंकज कुमार चटर्जी के बांग्ला अनुवाद स्टालिनर स्टालिनर दीवान को रोमन रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार का 7वां संस्करण प्रदान कर दिया गया है। स्टालिनर दीवान उपन्यास जोसेफ स्टालिन और सोवियत संघ में एक युवा कलाकार के बीच मुठभेड़ की पड़ताल करता है। यह बंगाली अनुवाद 2013 में प्रकाशित किया गया था। यह दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक ने पुरस्कार जीता है। उपन्यास ले दीवान डी स्टालिन जॉन डैनियल बाल्टा सेट का एक विचारोत्तेजक उपन्यास है। यह पुरस्कार भारत में फ्रेंच इंस्टीट्यूट द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था। नेसा सीएसए के अनिल अग्रवाल संवाद में लॉन्च हुई भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024। सीएसए की 2024 में भारत की 11वीं पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट ने बताया कि 2023 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण लगभग 109 देशों को हुआ नुकसान। भारत ने 2023 में अगस्त और सितंबर 122 वर्षों में सबसे गर्म रहे हैं। पूरे वर्ष के दौरान भारत में 318 दिनों में चरम मौसम की घटनाएं देखी गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 149 देशों के साथ सबसे अधिक चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गई। इसके बाद 141 दिनों के साथ मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। बिहार में चरम मौसम की घटनाएं 642 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में प्रभावित फसल क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार था। गुजरात में क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या सबसे अधिक थी और पंजाब जानवरों की मृत्यु की संख्या भी सबसे अधिक थी। इतना आपको ध्यान रखना है। सीएसए के अनिल अग्रवाल संवाद में लॉन्च हुई भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट। नेक्स्ट, वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में आयोजित किया फील्ड फायरिंग अभ्यास। तो ये अभ्यास है, ठीक है, ये अभ्यास है। वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में क्या किया? फील्ड फायरिंग अभ्यास कर दिया है आयोजित। नेक्स्ट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का हुआ निधन। कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका क्या हो गया? निधन हो गया, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनका नाम है ब्रायन मुलरोनी। 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री थे कब तक? 1984 से 1993 तक कनाडा के पीएम रह चुके हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पहले यूईएफए महिला ने नेशंस लीग फाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2.0 से हासिल की है जीत। स्पेन की महिला टीम ने फ्रांस को हराकर पहली बार नेशंस लीग चैंपियनशिप बनी है। इस मैच में 72,657 प्रशंसकों के सामने बैलन डी ओर विजेता एटोना बोन माटी और मैरियोना कैलडेंटी ने स्पेन के लिए गोल किया है। स्पेन ने पहली बार सीनियर महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइनल में भाग लिया और जीत भी हासिल की है। स्पेन ने नेशनल लीग ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में पहुंचा और नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पेरिस 2024 में स्थान सुरक्षित किया है। इस साल के पेरिस ओलंपिक के लिए स्पेन, फ्रांस और जर्मनी ने क्वालिफाई किया है। यूईएफए महिला नेशंस लीग 23 से 28 फरवरी 2024 को फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। स्पेन की खिलाड़ी एटेना बोन माटी को शीर्ष स्कोरर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये है इमेज। तो पहले यूईएफए महिला नेशंस लीग फाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ जीत हासिल की। स्पेन जीत गया है किससे? फ्रांस से। आई होप अपने नेक्स्ट वीक की सीरीज आपको नेक्स्ट संडे को मिलेगी। ये थी हमारी जो है इस वीक की करंट अफेयर्स, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल थे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आई होप, आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।